Good morning, students. I hope you are fit and fine. Today your new chapter flexion. Flexion means knee. Flexion means क्या होता है? Knee होता है. Okay, students. This is the Hindi meaning of knee. All students know 9/5 upper side is called numerator. Upper side is called numerator. Okay, students. And lower part is called upper part is called numerator and lower part is called denominator. Denominator. Okay, students. Here this Hindi meaning is ans, and it Hindi meaning is her. Okay, students. If a whole is divided equally into more than one equal part, they are called fraction. किसी नंबर को हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे फ्रैक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. और उस फ्रैक्शन के अपर वाले पार्ट को हम लोग न्यूमिनेटर कहते हैं और लोअर वाले पार्ट को हम लोग डोमिनेटर कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब जब द सम एग्जांपल गिवन बिलो केयरफुली, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. राइट 3/5 की वर्ड्स. स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को हम लोग वर्ड में लिख कैसे लिखते हैं इसे हमें क्या करना है, सीखना है. एग्जांपल 3/4 राइट इन वर्ड्स. राइट इन वर्ड्स इसे हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. थ्री अपर साइड में आपका 3 है, नीचे में क्या है, लोअर में आपका 4 है, तो इसे हम लिखेंगे 3/4. 3/4 FOURTHS ये आपका फोर्थ, ऐसे आपको लिखना है. THS आपको क्या करना है उसमें ऐड कर देना है फोर्थ में, यानी जितने भी नंबर है उन सब नंबर में THS हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है. जैसे एग्जांपल्स आपको 5/6, 3/4, 4/7, 9/11. ओके, यानी ये हमें नीचे वाले पार्ट में ये हमें क्या कर देना है, ऐड करना है. नीचे वाले पार्ट्स में हमें ये ऐड करना है. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स. फ्लेक्सन नोमिनेटर डोमिनेटर आपको चूज करना है, शायद आप लोग सीख गए हैं. नेक्स्ट आपका है, अब जब द फ्लोइंग फिगर केयरफुली, कुछ फिगर दिए गए हैं जा रहे हैं उसे आपको ऑब्जर्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपका देयर आर थ्री बक्स ये आपके थ्री बक्स है. क्या बक्स है? थ्री बक्स है. और टोटल बक्स आपको मिलाकर 1 बक्स हो जाएगा. ओके, तो हम ले इसे लिख सकते हैं 1/3 1/3 1/3. ओके स्टूडेंट्स, 1/3 1/3 1/3 यानी जो आपका बक्स एक है इस बक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं. कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं. तो ये आपके पूरे बक्स को हम लोग लिख सकते हैं. ये तो पूरा बक्स हमारा एक है, लेकिन इसने डिवाइड कर दिया मैंने कितने पार्ट्स में, 1 2 1 2 3. तो हम लिख सकते हैं 1/3, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3. ओके स्टूडेंट्स, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/3. ओके, बट इन योर बुक एग्जाम्पल नंबर ए, आपके बुक्स में सेडेड 2/3 ऑफ होल इज कलर. आपका 2/3 मतलब 2 पार्ट्स क्या किया गया है, कलर कर दिया गया है. क्या कर दिया गया है? कलर कर
ओके स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स को आपने क्या किया है, कलर कर दिया है, 2 by 3 एग्जांपल इज 1 3 + 1 3 = 3 1 + 1 = 2 by 3 एंड टू पार्ट्स क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है, टू पार्ट्स क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है, और 1 by 3 ये क्या है, अनकलर्ड है, ये 1/3 ऑफ होल इज अनकलर्ड और जो बाकी है तो अनकलर्ड है, क्या है, अनकलर्ड है। तो इसे हमें समझना है, अगर टोटल पार्ट्स को हम लोग ऐड करेंगे, इट्स 1 by 3 + 1 by 3 + 1 by 3 = 3 1 + 1 + 1 = 3 by 3 = 1 यानी टोटल पार्ट्स आपका 1 ही होगा, टोटल पार्ट क्या होगा आपका, 1 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी टोटल पार्ट्स आपका 1 होता है, ये टोटल पार्ट्स आपका 1 है, लेकिन बाय हम लोग क्या किए हैं, पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर दिए हैं। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, मीन्स फ्रैक्शन होल पार्ट होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, होल पार्ट होता है। ओके फ्रैक्शन होल पार्ट होता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जांपल नंबर बी टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये टोटल कितने पार्ट्स में होगा, 6 और सब पार्ट्स को हम बोलेंगे 1 by 6 1 by 6 1 by 6 1 by 6 1 by 6। ओके यानी जो पार्ट आपको कलर होंगे और नीचे आपको दो पार्ट्स बनेंगे ये अनकलर्ड है, 1 by 6 1 by 6 ये आपको कलर पार्ट्स, कलर पार्ट्स है। तो इसमें आपको 4 6 1 2 3 4 आपको 4 by 6 कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट हो जाएंगे, और जो कलर नहीं है इसे 2 by 6 आपको अनशेडेड। स्टूडेंट्स 2 by 6 इज अनशेडेड। एग्जाम्पल नंबर सी, ए होल डिवाइडेड इंटू 9 इक्वल पार्ट्स एंड डी ए होल डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी हम लोग किसी पार्ट को कितने पार्ट्स में बांटते हैं ये हमें सीखना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स। आपको एक फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको 4 पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे आपको शेडेड पार्ट दिए गए हैं। तो ये आपके 4 पार्ट है जिसे आप लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट में लिखा गया है ये शेडेड। स्टूडेंट शेडेड पार्ट कौन है, तो 1 by 3 एंड बी है अनशेडेड, तो अनशेडेड पार्ट सबका है 1 2 3, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अनशेडेड पार्ट को शेडेड पार्ट 1 by 4 और अनशेडेड पार्ट को लिख सकते हैं 3 by 4। ओके स्टूडेंट्स यानी जो आपको छाएंगे भाग है उसे हम 1 by 4 लिख सकते हैं और जो हमें छाएंगे भाग नहीं है उसे लिख सकते हैं 3 by 4। ये टोटल आपका होल पार्ट है, टोटल क्या है, होल पार्ट है। अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ डेट भी करेंगे, तो 1 by 4 + 3 by 4 = 4 1 + 4 = 4 by 1 4 by 4 = 1 = 1 यानी टोटल होल पार्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शेडेड 1 by 4 अनशेडेड 3 by 4। ओके स्टूडेंट्स शेडेड 1 by 4 अनशेडेड 3 by 4। क्वेश्चन नंबर 2 कलर 1 by 3 एंड अनकलर्ड
टू बाई थ्री कलर अनकलर। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, कलर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देयर आर एट पार्ट कलर पार्ट कलर पार्ट 5 by 8 एंड अनकलर्ड 3 by 8। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज, ऑल स्टूडेंट्स ऑल क्वेश्चन डू इट, हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। ओके, फर्स्ट राइट होल पार्ट इन lower side and all divided part in upper side, means आपको जो second part है वो आपका second part आपके ऊपर है ना, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं रहेगा, नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये आपका टोटल होल पार्ट होता है। ऊपर वाले पार्ट्स में आपको क्या होंगे, बदलाव होंगे, जो second parts हैं उसे हम लोग क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, जो होल अनसेटेड है उसे हम लोग नीचे रखेंगे, और नीचे वाला आपका सेम ही रहता है, डोमिनेटर हैज नो चेंज। ओके, ओनली चेंज डोमिनेटर हैज नो चेंज, ओनली चेंज डोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स डू इट एक्सरसाइज, पेज नंबर 100। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।